अस्सलाम वालेकुम अफजल गार्डन में आप सबको खुशामदीद। आज एक बहुत ही प्यारा सा दिन है, समंदरी हवाएं चल रही हैं और कराची का जो रिवायती मौसम होता है गर्म और हफ्सालूद वो नहीं है। तो इस वक्त मेरे गार्डन में फूलों की बहार है और मैं दो दिन से पौधों की रिपोटिंग का काम कर रही हूँ। तो देखिए मेरे मोतिया में अब कलियाँ आने शुरू हो गई हैं, इनको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया है। देखिए दो चार दिनों में ये खिल जाएंगी। इस मोतिया के पौधे की मैंने आज ही रिपोटिंग की है, इसमें बहुत सारी फजूल सी जड़ी बूटियाँ उगाई थी। ऊपर देखिए चीड़ों ने जो है लगता है कि मेरे सर पर हमला करने की तैयारी कर ली है, बार बार उड़ती भी आ रही हैं और मेरे सर पर ठोंग लगाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं भी जानती हूँ कि इनका इलाज किस तरीके से किया जाता है। इनके इलाज के लिए है कि एक डंडा चाहिए होता है और एक डंडा मैं भी देती हूँ। ये मेरा वाइट चंपा है और इसके बाद यूफोर्बिया और ये कासी रंग के फूल जिनका नाम मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है, और ये पिंटास के फूल हैं जो पिंक और कासनी रंग के हैं, और ये बोगनविला मेरा, और ये एक नया पौधा जो मैं कल ही खरीद करके लाई हूँ, इसको कहते हैं टिकोमा। टिकोमा कितना प्यारा सा नाम है और फूलों का रंग भी बहुत ही प्यारा है, पीले रंग के बेल शेप में है। कहते हैं कि ये दरख्त हो जाता है और 20 फुट लंबा तक जाता है। ये भी एक पीला ही फूल है अलमंडा का और ये भी बेल शेप है, मगर ये जो है हल्का पीला है और ये ज़ाफ़रानी रंग गोया के। तो ये अलमंडा मेरे, ये मेरे अलमंडा नहीं भाई, डेजर्ट रोज़। और इसके बाद मेरे नींबू के दरख्त में बहुत सारे नींबू आ गए हैं, देखिए ये नींबू और फूल भी हैं इसमें। और ये मेरा चंपा पिंक कलर का और ये प्लूमेरिया, और वो था जिसका इंतज़ार मुझे बहुत ज़माने से, ये पहली मरतबा कलियाँ निकली हैं इसमें मेरे नाग चंपा में। इसका मुझे बहुत इंतज़ार था, मुझे लगता था कि पता नहीं इसमें कलियाँ निकल पाएंगी या नहीं, लेकिन निकल गई। ये मेरी मदर प्लांट जब मेरा ख़त्म हो गया था, एक बहुत बड़ा प्लांट होता था यहाँ कोने में होता था, यहाँ ये इस कैक्टस की जगह पे, उसका गमला टूट गया, बहुत बड़ा हो गया था, जड़ें इतनी फैल गई थी कि वो गमला टूट गया था। तो उसको मुझे उसकी बहुत सारी शाखें काट करके मैंने लगा दी थी, लग गया। और ये मेरा पेंसिल कैक्टस। और देखिए फूलों की बहार, ये हिबिस्कस के फूल का मुझे बहुत इंतज़ार था, बहुत अरसे से नहीं दे रहा था, अब इसमें कलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। और ये मेरा देखिए किस कदर खूबसूरत सा चंपा का पौधा है ना, बहुत ही खूबसूरत सा। तो कराची की जो रिवायती गर्मी होती है, आज उस रिवायती गर्मी ने दम तोड़ दिया है और ये मैंने अपने अगेव को इधर शिफ्ट कर दिया है। अगरचे कि ये गर्मी में भी और धूप में भी रहते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे अपने फूलों के पौधों को एक जगह लाना था, इसलिए मैंने अगेव को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये देखिए हाइब्रिड गुलेबास नहीं, सदाबहार, कितना प्यारा कलर है इसका। और ये मेरा एक्जोरा, ये जब एक्जोरा मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो इसको देख करके मैं बहुत मायूस हुई थी, बहुत छोटा सा था, मगर इस साल एक्जोरा में बहुत सारे फूल लगे हैं और बहार ही बहार है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। बस अब इफ्तारी में कुछ ही देर बाकी है और फिर मुझे नीचे जाना है, लेकिन ये कि जब तक मैं अपने बाग में अपने साथियों के साथ कुछ वक्त ना गुजारूँ, इनके साथ कुछ बोल ना लूँ, मेरा दिन नहीं गुज़रता है। वरना तो बाज़ मरतबा सारा दिन ऐसा गुज़रता है कि एक जुमला भी आप नहीं बोल पाते हैं, तब मेरा दिल फौरन चाहता है कि मैं अपने बाग में जाऊं और अपने प्यारे प्यारे पौधों से बात करूं। तो देखिए आसमान का रंग किस कदर नीला है और ये बादलों की बहार देखिए कितने, ये बारिश वाले बादल तो नहीं हैं लेकिन बहरहाल बादल हैं। अब चीनें मुझसे मायूस होकर के दूर जा चुकी हैं, बहुत दूर उड़ रही हैं, वरना तो सर पर ठोंगे मारना इनका काम है। तो कहिए कैसे लगा आपको मेरे गार्डन की सैर, हर रोज़ हम आपको अपने गार्डन की सैर कराते हैं, क्या करें, दिल ही नहीं भरता कि इनको देखने से, इनका साथ ये करने से। तो बस यही ज़िंदगी है,
तो हम देखते हैं कि नागचंपा में और किस इसमें भी आ रही हैं कलियाँ। देखिए इसमें भी कलियाँ आ रही हैं, तो कुछ ही दिनों की बात है इसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं बहुत ही प्यारे से और कई दिन तक रहते हैं। तो इन सारे पौधों को मैंने एक साथ लगा रखा है, जब इनमें एक साथ फूल निकलेंगे तब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हरा खुश हो रहा है, फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।